पिछले लेक्चर में जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह की थी हमने उसी को कंटिन्यू करेंगे। सपोज मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ सभी अपने अपने कॉपी में फ्लो चार्ट बनाओ इसका। तो देखते हैं हम भी अपना मैच करना ठीक है या नहीं। देखो सबसे पहले आपका स्टार्ट आएगा, उसके बाद हमने एक नंबर है जो उसको डिक्लेयर किया है, इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इस पे। कंडीशन क्या है अपनी, इफ नंबर लेस देन 15। नंबर आपका लेस देन 15 है तो दो चीज बनेगी, या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो मैं प्रिंट करवा रहा हूं इनसाइड इफ, अगर ये फॉल्स हुई तो मैं डिफरेंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा हूं अपनी। इनसाइड एल्स इन, अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसके बाद क्या करना है, मैंने उसी टाइप का बनेगा आपका फ्लो चार्ट, कितनों का ठीक है।
एक दो बार बना के मेरा भी इसका सब बैठ जाएगा। अभी शायद थोड़ा प्रॉब्लम करी मैंने। देखो सबसे पहले आपका एक नंबर है जो आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद आप एक कंडीशन चेक कर रहे हो कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक आपने एग्जीक्यूट करवाना है। अब हमने एक कंडीशन यहाँ चेक करी, कोई भी कंडीशन है उसमें दो ही स्टेट बन सकती है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो हमें कुछ काम करना है, अगर फॉल्स है तो कुछ काम करना है, ठीक है। अब ट्रू ही तो इसमें प्रिंट करवाना था हमें इफ ब्लॉक, तो मैंने इनसाइड इफ लिख दिया बाय मिस्टेक। तो ये आपका ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ही एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। उस केस में हम जाएंगे इनसाइड एल्स या एल्स ब्लॉक कह लो। अब इनसाइड इफ या फिर इनसाइड एल्स, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दोनों एग्जीक्यूट कभी नहीं होगी। उसके बाद हम इस ब्लॉक के बाहर आए और अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो जो इफ एल्स है, जो इफ एल्स है इनको हम नेस्टेड भी कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। मतलब इफ के अंदर हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं, सिमिलरली एल्स के अंदर भी हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं। कैसे देखो, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जैसे कोई इफ स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा आपका। अब इसमें भी सपोज कोई कंडीशन लगा दी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद एक और कंडीशन चेक करो, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर कुछ स्पेसिफिक काम करना है आपने, अगर वो नहीं है ट्रू तो आपने कुछ और काम करना है। और अगर शुरू में ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप एल्स ब्लॉक पे जाओगे। अब एल्स ब्लॉक में अगर सपोज करो आप पहुंच गए, उसमें फिर कोई मान लिया कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है तो आप कंडीशन लगा सकते हो। इस टाइप से आप नेस्टेड कर सकते हो। आप इसी हायरार्की को और कितने जितना अंदर लेना चाहो उतना अंदर लेके जा सकते हो इस टाइप से, और अंदर लेके जाना मान लिया और हायरार्की और कंडीशंस लगानी है तो जितना डेप्थ में आप ले जाना चाहो हायरार्की को वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले जा सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ इफ नंबर लेस देन 15। अब मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ इसके अंदर, इफ नंबर लेस देन 12, तो मैं प्रिंट करवाऊंगा सपोज 1 प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रिंट करवाऊंगा और 0। और एल्स ब्लॉक के अंदर सपोज मैं प्रिंट करवाता हूं
देखो else ब्लॉक के अंदर मैं दोबारा कंडीशन लगाता हूँ, मान लेते हैं else if नंबर है जो वो लेस देन है तो प्रिंट करवाओ टू, else if number greater than 25 तो print करवाओ 3। इसके आउटपुट बताओ मुझे, इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट आई 1। देखो जब नंबर की वैल्यू 10 थी, 10 को कंपेयर किया हमने 15 से, अब 15 से लेस है आपका 10, तो इस इफ ये जो इफ ब्लॉक आपका ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर दोबारा कंडीशन है इफ नंबर लेस देन 12, 10 लेस देन 12 है, ये भी ट्रू है, तो अब आपका ये आए इसके अंदर, ठीक है, आप ये जो इफ ब्लॉक है ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि इफ और एल्स में सिर्फ एक ही ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है। चलो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स से अपनी वैल्यू है 27, अब आप खुद बताओ। इसको रन करके देखते हैं, अब आउटपुट आई आपकी 3। देखते हैं कैसे, नंबर की वैल्यू आपकी 27 है, कंपेयर किया इस कंडीशन से इफ नंबर लेस देन 15 रॉन्ग, तो ये इफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आए हम एल्स ब्लॉक पे, अब एल्स ब्लॉक में पहली कंडीशन मिली हमें इफ नंबर लेस देन 25, लेकिन अपना नंबर तो 27 है, तो ये इफ ब्लॉक ब्लॉक है जो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आए हम एल्स ब्लॉक पे, और इसमें नंबर दोबारा कंडीशन मिली इफ नंबर ग्रेटर देन 25 तो प्रिंट कराओ 3, तो आउटपुट आई अपनी 3। अब इसमें हल्का सा चेंज हो करके देखते हैं, अब आउटपुट बताओ इसकी क्या आउटपुट आएगी, ऊपर से देख लो। और अब आउटपुट क्या आएगी, चलो रन करके देखते हैं इसको। 4 और 3 प्रिंट हुआ है। देखो नंबर आपका 27 था, सबसे पहले इफ ब्लॉक से हमने कंपेयर किया, नंबर लेस देन 15 ये आपका फॉल्स है, तो एल्स ब्लॉक पे आए हम। अब एल्स ब्लॉक के अंदर
सबसे पहले कंडीशन है इफ नंबर लेस देन 25, जो कि नहीं है अपना, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके एल्स ब्लॉक पे आए, और जो एल्स है वो उसका हमने ये भी हमेशा ध्यान रखना कि उसका कौन सा इफ है, ये नहीं है कि इस एल्स का इफ ये वाला है, ऐसा नहीं होगा, उसके जस्ट ऊपर कौन सा इफ है। अब एल्स ब्लॉक पे आए हम, दोबारा कंडीशन देखी, इफ नंबर ग्रेटर देन 25 ट्रू है तो प्रिंट हुआ 4। अब इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो दोबारा क्या है, इफ नंबर ग्रेटर देन 26 ये भी ट्रू है तो ये भी आपकी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए रहिए,